गश्ती दल पर कार्रवाई के साथ ही थानाध्यक्ष से शोकज के बावजूद चोरी पर नहीं लग सकी नकेल। 48 घंटे के अंदर नगर थाना क्षेत्र के एक और आभूषण दुकान में हुई लाखों के आभूषण की चोरी। शहर के बलुआ बाजार स्थित आनंद मार्केट के राज ज्वेलर में हुई चोरी। सीसीटीवी पर प्लास्टिक बांधकर चोरों ने आभूषण से भरा तिजोरी काटकर दिया वारदात को अंजाम। दो दिन पहले मेन रोड के हाफिज ज्वेलर में भी हुई थी करीब 50 लाख के आभूषण की चोरी। मौके पर पहुंचे नगर थानाध्यक्ष जांच में जुटी। चोरी हो गया, कैसे जानकारी कैसे मिला? ताला तोड़कर शटर बाहर से के दीवार तोड़ है? शटर तोड़ कर की दीवार तोड़ ना शटर तोड़ कर। कैसे आपको सूचना मिली? आपको सूचना मिली सुबह मोबाइल पर घर पर देखा गया है तो पता चला है तो पोता हमारा आया है देखा है कि टूटा हुआ है। पुलिस आई के लिए? हाँ पुलिस आई हुई है। कितना चोरी हुआ लगभग? कितना के अंदाज खुलने के बाद है क्लियर होगा। अभी अंदर नहीं गए? ना। कौन सा दुकान में चोरी हुआ? राज ज्वेलर। कहाँ है? बलुआ आनंद बाजार में प्रथम मंजिल पर। प्रथम लगभग मैंने कितना एक अंदाज होगा? तो बिना खुले हुए नहीं हो पाएगा। दुकान में कितना का संपत्ति था? थोड़ा सा अच्छा संपत्ति था। लगभग कितना का? नहीं बताऊँ, नहीं बताऊँ। क्या नाम है आपका? बी एन जायसवाल है। खासकर सोना चांदी की दुकान में अभी हमारी एसपी साहब से बात हुई है। हमने स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि कड़ाई इसमें हो। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती है कि रोज चोरी होता रहे और दुकानदार मुंह ताककर देखता रहे। हम इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो इसके लिए प्रशासन को पूरा कड़ाई करना होगा और हम दुकानदारों से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक अपने दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा को चलंत रखें और अधिक से अधिक दुकानों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाएं। पुनः पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि कड़ाई बरतें और कड़ाई से इसका उन्मूलन करें। ये रोज़ रोज का चोरी, इससे व्यवसायी तंग आ चुके हैं, अजीज आ चुके हैं। पूरा दुकान लूट लेने पर व्यवसायी की पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जा रही है, कमर टूट जा रहा है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और फिर प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कड़ाई से। क्या पुलिस गश्ती, इससे तो पता लग रहा है पुलिस गश्ती नहीं कर रही है? पुलिस अभी तो मेरी बात हुई है, पुलिस गश्ती कर रही है लेकिन करने के बाद भी ये हो रहा है, ये चिंतनीय बात है।